हैं घर में नाम लेते हो बंद गोभी बनानी है, अभी साहब कहते हैं नहीं बंद गोभी नहीं कोई छोर बनाए, पेट में दर्द होता है, कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं दोपहर के हो चुके हैं जी, तो स्कूल से मैं जी आ चुकी हूँ, एक घंटा हो चुका है। तो आए हैं जी अपनी वीडियो स्टार्ट करने, और बाजियाँ छत पर थी, ये जी ऊपर आज बिजी हैं काफ़ी ज़्यादा दोनों बाजियाँ, मशीन वगैरह भी जिन्होंने लगाई हुई थी, और जो कल चारपाइयाँ वाश की थी वहाँ उसका जी ये बाजी जो है वो कवर जो है वो सिलाई कर रही हैं, और चारपाई को जी हम सेव कर रहे हैं। तो मौसम शेयर करते हैं और बाजी से बाजियों से पूछते हैं जी खाना पकाना क्या है। ये देखें जी ये बाजी ने, दोनों बाजियों ने, ये बहुत ही जी प्यारा जो इसका कवर है जी चारपाई का ऊपर ये चढ़ा दिया है, सिलाई कर दिया बल्कि, है ना, ताकि इसके ऊपर कोई धूल मट्टी ना पड़े। और बाजी मीना मुझे लगता है थक गई है ना, कपड़े वगैरह भी जी वाश करती रही हैं, और छाड़े वगैरह जो काली इधर से चादरें वगैरह उतारी हैं ना सारी वाश की हैं। हो गई बाजी, हो गई हैं, चले तो अच्छा अंदर की जी पेटी की भी सेटिंग को दिखाते हैं आपको, जो कल शीशे लगे हैं वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले जी हम आपको मौसम दिखाते हैं, मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है जी, लाइट है, तो यहाँ पे जी ट्यूबवेल चल रहा है जी माशाल्लाह, ये देखें जी धूप है जी काफ़ी तेज़, और वहाँ पे दूर जी कहीं धुआं धुआं सा जी उड़ रहा है। तो यहाँ पे देखें जी इधर रोड है, यहाँ पे भी जी ट्रैफिक चलती है, यहाँ से जी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, इस तरह भी रोड है जी, और मौसम तो अच्छा है। खाने पकाने का पूछते हैं जी, हाँ जी बताएं बाजी जी क्या आप खाना खाना आज? आज चिकन चिकन हबीब साहब अभी भी लेकर आए हैं नीचे, हाँ जी, और बंद गोभी लेकर आए हैं, बंद गोभी और चिकन ले आए हैं। तो बताएं आज, मैंने बोला है चावल बना लेते हैं कोई, या फिर चिकन बंद गोभी बना लेते हैं, नहीं है। अच्छा डिसाइड करते हैं जी, अभी फिलहाल कोई पता नहीं हमारा इरादा, अभी चेंज हो जाए कोई पता नहीं जी, काम खत्म हो गया छत का, चले जी चारपाइयाँ रखते हैं जी। और यहाँ से भी जी मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ भी दिखा देते हैं जी, अभी इधर की तो सेटिंग वैसी की वैसी है, क्योंकि यहाँ पर जी कुछ भी प्लस्तर वगैरह नहीं होगा, ये देखिए जी इधर, और यहाँ सूरज है जी इस तरफ, अभी दोपहर काफ़ी तेज़ है जी ऊपर है, ये देखें जी दोनों पेटियाँ जो हैं वो बाजियों ने सही कर ली हैं जी, सीधी कर ली हैं, सामने इस तरफ थी और इस तरफ हो गया जी, आप देखें जी बहुत ही प्यारी जी सेटिंग लग रही है माशाल्लाह, और देखें जी शीशे भी लग गए हैं कल, ये देखें जी ग्रीन कलर का जी शीशा है, सब हमारे नीचे भी ग्रीन कलर के लगे हुए हैं, ये देखें जी ये मुकम्मल हो जाता है जी इस तरह ग्रीन पूरा, इसको खुला हुआ है जी हवा, इसको आने देते हैं चलेंगे। और यहाँ पर जी हम रखेंगे चारपाइयाँ, और इधर रखेंगे जी पेटी एक और, ताकि नीचे वाला जी सारा जो गंद है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, ये चारपाई जो उधर रखेंगे जी हम इस चारपाई को, और ये जी दूसरी चारपाई हबीब साहब लेकर आ गए नीचे से, दो चारपाइयाँ जी हमने बिछा दी हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे डालेंगे जी चादर, और इधर चारपाइयाँ सेट हो जाएंगी। और ये देखें जी हबीब साहब आ गए हैं जी इस तरफ, और यहाँ पे रास्ता नहीं है जी क्योंकि खिड़की बंद हो चुकी है, यहाँ से जी फलांग कर गए हैं, टेबल भी देना, टेबल दे देते हैं, अब आपने आना कैसे है, ये तो बहुत ऊंचाई है, ध्यान से आना है, ठीक है, यहाँ पे जी रिफा करेंगे पेंट, और ये देखिए जी तीन चारपाइयाँ हमने इस तरह जोड़ दी हैं, क्योंकि जी हमारे गांव में इसी तरह चारपाइयाँ जोड़ कर रखी जाती हैं, हबीब साहब जी इधर काम कर रहे हैं, ये देखिए जी ये देखें,
इधर बिजी हो गए हैं जी जी सामने तो आए ना देखे जी कुर्सियां आगे भी रख दी हैं क्योंकि ये फालतू कुर्सियां हैं तो इधर चले जी साफ करेंगे तो इधर रोज साफ होती रहेंगी और चारपाइयां इस तरह बिछा दी हैं पेटियां इस तरह ला गई हैं और यहाँ पर भी जी एक अभी पेटी आनी है जी इस जगह पर भी मैं नीचे आ चुकी हूँ जी और हबीब साहब इधर लेकर आए हैं जी बंद गोभी और ये है जी चिकन ये 2 किलो चिकन है सारा नहीं बनाना बाजी को कहती हूँ जी इसमें से मुझे हाफ कर दे उसको जी मैं वाश करूँगी और बाकी चीज़ों की जी ऊपर से आकर कटिंग करते हैं क्योंकि अभी सारे हम ऊपर ही हैं कटिंग हो जाएगी जी फिर हम नीचे आ जाएंगे आइए जी चारपाई इधर पड़ी हुई है इसी के ऊपर ही कटिंग करेंगे क्योंकि नीचे जी झाड़ू लगाने वाला है तो अभी बस फिलहाल जी ये बंद गोभी है मेरे पास पता नहीं 1 किलो है कि 2 किलो है गरीब साहब लेकर आए हैं बताया नहीं है तो सबसे पहले जिसकी कटिंग करेंगे तो अभी मैं ये देखे जी मैंने बंद गोभी की कटिंग कर ली है और ये 1 अदर जी प्याज है इसको बाजी कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जी मैंने झाड़ू लगाना है उसके बाद ये अजान हो गई है सर की नमाज भी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी जी फिर आप हम तैयारी करेंगे खाने की झाड़ू जी मैंने सारे सीन से लगा लिया और देखें जी शाम होना स्टार्ट हो गई है सूरज इस तरह चला गया अब मैं जी जाकर नीचे वजू करूंगी और नमाज पढ़ूंगी फिर ऊपर आऊंगी जो फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करूंगी तो अभी बस नमाज मैंने पढ़ ली है जी और ये है जी हमारा चिकन ये तकरीबन जी 1.25 किलो या 1.5 किलो है जी क्योंकि थोड़ा सा पहले का भी पड़ा हुआ है वो मैंने शामिल कर लिया है तो अब इसको जी अच्छी तरह वॉश करते हैं जी तो बस चिकन जी मैंने वॉश कर लिया है तो अब ऊपर चलते हैं जी और अपनी हलिया स्टार्ट करते हैं तो अभी बस ये चीज़ें जी यहाँ पर रखते हैं चूल्हे की सेटिंग करते हैं आज खाना ऊपर इसके बना रहे हैं बार बार जी नीचे लाइट जा रही है और कभी आ रही है
तो फिर ट्रेन आ गई है जी, ट्रेन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जी रेसिपी का सारा सामान रख लिया है, बंद गोभी चिकन आज हम बना रहे हैं जी, तो जल्दी जल्दी डालते हैं घी। तो अभी बस हंडिया मैंने रख ली है, अब इसमें डालते हैं जी घी। घी डालेंगे जी एक बड़े चम्मच, छोटे दो चम्मच और एक बड़ा चम्मच। तो बस आज हम बहुत अरसे के बाद जी चिकन और बंद गोभी बना रहे हैं। बंद गोभी में जी पहले आलू डालते हैं या फिर हम मटर डालते हैं, तो बिल्कुल जिस सादा तरीके के साथ जैसा हम अपने गांव में बनाते हैं उसी तरीके के साथ जी हम ये रेसिपी बनाएंगे। घी गरम हो चुका है जी, अब इसमें डालेंगे जी प्याज। प्याज डालेंगे जी एक बड़ा अदद उसके बराबर। तो अभी बस प्याज हमारे जी हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं गोल्डन गोल्डन। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे जी चिकन। चिकन है जी हमारा 1.5 किलो, मैंने समझा था जी 1.25 किलो, बाजी कह रही है 1.5 किलो। बिस्मिल्लाह करके जी डाल देते हैं। तो अभी मैं जहाँ था जी बाजी को ले लिया था, क्योंकि आज भी हम बनाएंगे घर में रोटी। आज तंदूरी वाली रोटी नहीं होगी और ना ही साफ चावल। बस चिकन जो है वो हमारा 3 से 4 मिनट तक की फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे डालेंगे जी हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच के बराबर डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे जी अब टमाटर हैं जी हमारे 2 अदद और सब्ज मिर्चें हैं जी तकरीबन 4 से 5 अदद। बिस्मिल्लाह करके डाल। यहाँ पर डालेंगे जी आप अपने मसाला जार। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखी मिर्च, 1/2 चम्मच मोटी कुटी सूखी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा और सूखा धनिया। अब इन तमाम मसालों के साथ जी चिकन को करेंगे अच्छी तरह हम फ्राई। यहाँ पर डालेंगे जी अब हम बंद गोभी, क्योंकि जी चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। तो अभी बस मगरब की जी अजान हो गई है, बाजी ने आटा भी गूंथ लिया है और इसके बाद जी फिर से पढ़ेंगे जी हम नमाज। और ये देखिए जी मगरब हो गई है, तो लाइट्स जी ऑन हो चुकी हैं इधर डेरे की। तो बाजी भी जी वहाँ पर लाइट ऑन करने लगे। हबीब साहब आए हैं जी, क्योंकि हमें जी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी 3 दिन से, वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी। चलो जी लाइट ऑन हो गई है, तो हबीब साहब आए हैं जी इधर पैकेज पता करके, क्योंकि जी 2-3 दिन हो गए हमारी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, बहुत टेंशन बनी हुई थी। और जो हमारा PTC वाला है पैकेज वो बहुत हमें महंगा पड़ रहा है, वो तो कितना आ जाता है बिल? 4000। हाँ जी, तो अब ये जो फाइबर वालों का हमारे वो अकरम मनाइल है ना, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये वाला लगवाएं, MB ले आप अपलोडिंग के, फिर आपकी स्पीड भी बनेगी और आपका पैकेज भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी ये करवा के आया हूँ मैं। ठीक है, तो 20 MB वाला करवाया है। ठीक है, 2500 रुपया महीने का देना वो सही है। पहले हम 4000 और 4100 दे रहे हैं। हाँ जी, वो तो स्पीड ही कोई नहीं थी। पैकेज उसमें अलग हमें अपने मोबाइल में करवाना पड़ता है, उससे वीडियो अपलोड होती है, अब नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ जी, और हमें डबल पड़ रहा था। ये देखिए जी पैकेज है, वैसे तो 5000 का हिसाब कह रहे हैं। 50 MB जो है ना, 5000, लेकिन हमें थोड़े ही MB बड़े हैं। 20 वाला ठीक है, उसमें 2500 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलो जी बाजी आप बैठ गई हैं, हंडिया को भी चेक करते हैं, तो फिर बारी बारी हम नमाज़ पढ़ते हैं। ये आ गई हैं जी बाजी मीना,
यहाँ पे जी दूध को बॉयल करेंगी। हंडिया जी साथ तैयार हो रही है, दूध को ये उबालती हैं तो फिर जी ये रोटियां बनाएंगे। चले जी बाजी जी यहाँ पर बनाएंगी रोटियां। बाजी मीना जी बैठ गई हैं पीछे, रोटियां बनेंगी तो फिर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, चलो सही गर्मी हो जी, गर्मी हो गई, गर्मी भी नहीं है सर्दी भी नहीं है, वैसे ही मच्छर कीड़े आ जाते हैं। नहीं जरा जरा है थोड़ी थोड़ी। अच्छा और यहाँ पर जी साथ साथ अपनी हंडियाँ भी चेक करते रहेंगे। तो अभी बस यहाँ पर जी हम साथ साथ हंडियाँ चेक करते रहे हैं, तो माशाल्लाह देखिए जी हमारी हंडियाँ जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जी हमने कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो अभी बस बंद गोभी जब भी हम पकाते हैं जी तो बच्चे कहते हैं इसमें केचप ज़रूर डालें, तो यहाँ पे भी हम ये थोड़ी सी केचप डाल देंगे। बिस्मिल्लाह कर देंगे और ये थोड़ा सा जी सिरका डालेंगे। ये थोड़ा सा जी सोया सॉस डाल देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। रोटियाँ कितनी रहेगी? बस भी कह रहे जाते चलो जी, हमारी रोटियाँ भी तैयार है और धनिया भी तैयार है। आज ये धनिया नहीं है, कबीर साहब को बताना याद ही नहीं रहा। मैंने जी पुदीना तोड़ने की कोशिश की है, दो चार पत्ते ही वहाँ से आए हैं। पुदीने को पता नहीं क्या हुआ, खत्म हो गया है पुदीना जी, ख़त्म हो गया है, पत्ते ला के नहीं गए। ये देखें जी ये पुदीने के चंद पत्ते हैं जी, दो चार तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन नहीं जी। चलो जी आज को कम कर देते हैं और रोटियां जी हमारी पास बस है, आखिरी है, फिर जी हम नीचे चले जाएंगे वहां चलकर जी खाना खाएंगे। तो अभी बस खाना जी हमारा तैयार हो गया, तो नीचे चलते हैं जी और वहां पर चल के जी सारे बर्तन वगैरह रखते हैं। बाजी जो है वो खाना डालने लगे हैं बिस्मिल्लाह करके। आज धनिया लाने वाला था, याद ही नहीं रहा, कल जरूर लेके आना। ठीक है माशाल्लाह जी हमारी तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन गई है जी। मैंने वहाँ पर जी टेस्ट की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी माशाल्लाह, मुझे तो जी बंद गोभी बहुत पसंद है लेकिन हबीब साहब को पसंद नहीं है। क्या थी? बंद गोभी। बंद गोभी सही बनी हो तो बड़ी मज़ेदार लगती है। सही बनी होती है, कोई ख़राब बनी होती है? सही ज़बरदस्त। जब भी मैं घर में नाम लेती हूँ बंद गोभी बनानी है, हबीब साहब कहते हैं नहीं बंद गोभी नहीं, कोई छोर बनाए। पेट में दर्द होता है, कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द होता है। चार प्लेटें जी बाजी ने बना दी हैं, तो आज टेस्ट करें ना फिर आप बताएं कैसा बना। ठीक है, अगर पेट में दर्द होती है ना ऊपर से ग्रीन टी पी ले या बोतल पी ले। ठीक है, सही है ना। तो मैं खाना सामने आ चुका है जी, तो खाते हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाह थोड़ी देर पसंद आएगी, बाहर वगैरह मैंने नहीं खानी। नहीं आए मजा तो मैं जी इसमें थोड़ी सी मैंने पहले गोभी बनवाई थी वो मैं खा रही थी, बहुत टेस्टी बनी, अच्छा लगी। तो मैं सब खाना खाते हैं जी और आपसे ज़्यादा चाहते हैं। नहीं जा रहे।
तो हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए, और हमारे जितने बहन भाई दोस्त अब आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे जो नहीं निकाले सबके रिजक में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको से तो नंदुसी का आमीन आमीन सुम आमीन। और सबसे पहले जी इतना अच्छा खाना खाने का दिया अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जी कल हमारा आ जाएगा भाई वाइट वॉश वाला, और ऊपर वाला काम भी कंप्लीट हो गया, चीजें हमने रखी हैं, एक दरवाजा लगने वाला रह गया वो भी इंशाल्लाह लग जाएगा, दरवाजा भी और लाइट भी उसमें लग गई, हां लाइटिंग भी करवा दी। और ये व्हाइट वॉश हो जाएगा फिर जो नीचे से होगा जी, चले साथ साथ देखेंगे अब हम हमारा घर जो है वो सही हो रहा है। सारे हमारे बहन भाई कह रहे थे जी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है गंद पड़ा हुआ है, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको साफ लगता होगा हमारा घर। तो ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।